शहर में हत्याओं का सिलसिला जारी है। यशोधरा नगर के जोशीपुरा हनुमान मंदिर के पास मामूली बात को लेकर आरोपियों ने राजू रंभाड़ नामक युवक के छाते पर चाकू चौंप कर हत्या कर दी है। यशोधरा नगर पुलिस आगे की जांच कर रही है। आए दिन शहरों की सड़कों और बस्ती की गलियों में वाहनों की आवाजाही बड़ी रफ्तार के साथ दिखाई देती है और फिर इसी रफ्तार की गति हत्या कर कम की जाती है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं ऐसी एक घटना के बारे में। राजू मारुति रंभाड़ गेहूं पिसाने आटा चक्की गया था, उसी दौरान एक अजनबी व्यक्ति ने राजू रंभाड़ से किसी रोड का पता पूछा, जिसे बताने के लिए राजू रंभाड़ उस आदमी के पास पहुंचा और बता ही रहा था कि अचानक एक स्कूटी पे दो युवक सवार होकर आ रहे थे। अचानक स्कूटी ने पीछे से राजू रंभाड़ को डैश मारी, जिस पर राजू रंभाड़ ने फटकार लगाई और फटकार लगाते ही स्कूटर सवार दोनों आरोपी राजू रंभाड़ के पास आए और कुछ समझ पाते उससे पहले आरोपी राजू रंभाड़ के सीने पर जेब से चाकू निकालकर वार किया और घटनास्थल से फरार हो गए। घटना के बाद लोगों ने राजू रंभाड़ को मेयो अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया, लेकिन उसकी मौत हो गई। यशोधरा नगर पुलिस आगे की जांच कर रही। मामूली घटना को लेकर हुई ये वारदात आखिरकार मौत पे ही उतारू हो गई। दिनांक 18 फोनद्वारे माहिती मिळाली की जोशीपुरा हनुमान मंदिरजवळ एका दोन इसमांनी एका इसमात चाकू मारलेले आहे, जखमी आहे। या सूचनेवरून आम्ही घटनास्थळावर पोहोचलो। घटनास्थळावर पोहोचलो असता तिथे जखमी नामे राजू मारुतराव रंभाड याला काही लोकांनी हॉस्पिटल नेल्याचे सांगितले। त्याला जे मारणारे आहेत ते शुभम गुलाब बंजारी आणि एक विधी संघर्ष बालक आहे। त्यांना आम्ही त्या घटनास्थळावरून ताब्यात घेतलेलं आहे। नंतर आम्हाला माहिती मिळाली की जी जखमी आहे तो मी हॉस्पिटल इथे मृत झालेला होता। प्राथमिक हत्याचं कारण आतापर्यंत काय निष्पन्न झालं आहे? हत्याचं कारण असं आहे की जे आरोपी आहेत ते स्कूटीने त्याला डॅश मारली। स्कूटीने डॅश मारल्यानंतर तो जखमी आहे, मृतक हा ओरडला, भांडवं लागलं त्यांच्यासोबत। त्याच्यातील एक विधी संघर्ष बालक आहे आरोपीमध्ये, त्यांनी त्याला चाकूनी छातीवरती मारलं, त्यामुळे तो जखमी झाला। यशोधरा नगर पोलीस ठाणे से कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र के साथ संजय मिरे, NBC News नागपूर।